हेलो एवरीवन, आज मैं आलू बैंगन और मूली की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मसाले वाली सब्जी खाकर बोर हो गए हो तो एक बार इस तरह से बनाकर देखें। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी बनाएं, वो भी बिना मसालों की सब्जी। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। एक बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें जीरा और सरसों डालना है। फिर कटे हुए लहसुन डालें, हरी मिर्च डालें और कटी हुई प्याज डाल दें। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज डाला है। इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। मैंने सारी सब्जियों को कट करके रख लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना। जो इस वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। प्याज अब भुन चुके हैं। इसमें कटे हुए आलू और मूली को डाल लें। इसे ढककर 3 मिनट पकाना है। फिफ्टी % पक जाए तो इसमें कटे हुए बैंगन डालना है। दो मिनट ढक कर पकाएं। थोड़ी सी हल्दी डालना है। इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालना है, नमक डालना है और कटी हुई हरी धनिया डाल दें। 2 मिनट ढक कर पकाएं। टमाटर को थोड़ा मसल दें और मिक्स कर लें। थोड़ी देर और ढक कर पकाएं। तो लीजिए, ये स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। बिना मसालों वाली सब्जी में टमाटर और हरी धनिया पत्ती ज़्यादा डालने होते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखें और हमें बताएं। इसे रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के साथ भी खाएं, स्वादिष्ट ही लगेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।